मेरे सामने एक स्प्लेंडर प्रो बाइक है और इसमें क्या है कि लाइट का इशू हो रहा है। लाइट हल्की रेस पे तेज जल रही है और जैसे ही रेस देते हैं तो गाड़ी की हेडलाइट लो हो जा रही है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँ, मैंने इसके लिए RR यूनिट को भी चेंज किया लेकिन यहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इसमें इसकी वायरिंग को आगे चेक किया, ब्रेक स्विच चेक करे, फिर भी यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जिन गाड़ियों में जिस तरीके से जैसे ब्रेक दबाने पे हेडलाइट तेज होती है या हॉर्न दबाने पे हेडलाइट तेज जलती है या अगला ब्रेक लगाने पे या इंडिकेटर जलाने पे हेडलाइट तेज जलती है, जिन गाड़ियों में, उनके विषय में जानकारी दूंगा, उनका सुझाव क्या है, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वो आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाना चाहूंगा कि गाड़ी किस तरीके से प्रॉब्लम कर रही है, उसके बाद उसका सुझाव बताएंगे किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ज़्यादातर ये DC बाइक में होता है और अक्सर ज़्यादा और गाड़ियों में नहीं होता है। जो जिनके लाख में दो वायर होते हैं उन्हीं में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से प्रॉब्लम कर रही, क्योंकि टाइम ख़राब नहीं करेंगे, आपका सीधे दिखाते चलते हैं, उसके लिए गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, आप लाइट के फोकस पे देखिएगा थोड़ा और गाड़ी को सुन लीजिए साउंड किस तरीके से अभी स्टार्ट है। ठीक है, अब लाइट की तरफ देखिए आप, इस तरीके से लाइट हल्की रेस लूँगा तो तेज है, लेकिन अगर पूरी रेस लेंगे तो यहाँ पे लाइट तेज हो जा रही है। अच्छे से देख लें आप, अब यहाँ पे तेज हो जा रही है हल्की रेस पे, और जैसे ही रेस दे रहे हैं तो गाड़ी के हेडलाइट बिल्कुल दब जा रही है। क्या जुगाड़ है वो आपको बताते हैं, गाड़ी को बंद कर लेते हैं, बताते चलते हैं उसके लिए क्या करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी ब्रेक दबाने पे अगर हेडलाइट तेज हो, हॉर्न बजाने पे हेडलाइट तेज हो या इंडिकेटर बजाने पे तेज हो, तो सबका एक ही जुगाड़ है, या तो आप बैटरी लगवाएं, अगर बैटरी ना लगवाएं तो उसके लिए क्या जुगाड़ है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए 4700 mAh का कैपेसिटर ले लेना है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे मिल जाता है आसानी से। उसके लिए इसके टर्मिनल को लाल वाले को लूज़ करेंगे, एक इसका प्लस वाला माइनस वाला थोड़ा खूंटी बड़ी रहती है और प्लस की छोटी होती है, तो सबसे पहले ये वाली खूंटी लूज़ करेंगे और इसमें लगाते हैं। तो इसका प्लस वाले का एक इस तरीके से लगा देंगे, चलिए टाइट करिए, सबका एक ही जुगाड़ है, चाहे लाइट ब्रेक दबाने पे तेज हो या हल्की जले बस। और इसमें दूसरा वाला इस तरीके से लगा देंगे, कैपेसिटर को लगा दिया है, प्लस माइनस अच्छे से चेक कर लें, अगर उल्टा सीधा रहा आपका कैपेसिटर तुरंत फट जाएगा, तो इस तरीके से लगा दें। चलिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसकी लाइट ठीक होती है नहीं। गाड़ी को स्टार्ट कर चुका हूँ, लाइट को देख लीजिए आप, इस तरीके से आराम से दिखाते हैं आपको, प्रॉपर लाइट आ गई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं गाड़ी में। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो सिर्फ इस कैपेसिटर की मदद से ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।